सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव जाता है अब लीगल वे से सुहाना को सोनाक्षी से छीनने के लिए और अपनी बेटी को अपने पास लाने के लिए। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली देव को सुहाना का सच पता चल गया है कि वो उसकी बेटी है और वो सुहाना को जाके भी ये बात बता देता है कि वो उसका पापा है। देव बहुत खुश है ये बात जानकर कि वो एक पिता बन चुका है। उसकी कब से एक तमन्ना थी कि उसका अपना एक बच्चा हो और सुहाना उसकी अपनी बेटी है। देव सोनाक्षी के लिए भी बहुत खुश है क्योंकि वो जानता है कि सोनाक्षी के लिए माँ बनना कितना इम्पोर्टेंट था और वो अब माँ बन चुकी है। देव ये बात ईश्वरी को भी बताता है कि उसकी एक पोती है और वो बहुत प्यारी है। देव के चेहरे पर इतने सालों बाद खुशी देखकर ईश्वरी भी खुश हो जाती है और वो भी अपनी पोती से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो जाती है। देव अब सोनाक्षी को चैलेंज करता है कि वो अब उससे सुहाना को लेकर रहेगा और उसको अपनी बेटी से 6 साल तक दूर रखने के लिए उसको कंपनसेट करना होगा। सोनाक्षी देव से सुहाना को लेकर उसके पेरेंट्स के तौर पर बात करना चाहती है और वो उसे मैच्योर तरीके से बात करना चाहती है, लेकिन देव उसकी बात ना तो मानने को तैयार है और ना ही सुनने को। अब देखते हैं कि सोनाक्षी क्या करती है और देव क्या करता है अपनी बेटी को पाने के लिए, वो किस हद तक जाता है, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव जाता है अब लीगल वे से सुहाना को सोनाक्षी से छीनने के लिए और अपनी बेटी को अपने पास लाने के लिए। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली देव को सुहाना का सच पता चल गया है कि वो उसकी बेटी है और वो सुहाना को जाके भी ये बात बता देता है कि वो उसका पापा है। देव बहुत खुश है ये बात जानकर कि वो एक पिता बन चुका है। उसकी कब से एक तमन्ना थी कि उसका अपना एक बच्चा हो और सुहाना उसकी अपनी बेटी है। देव सोनाक्षी के लिए भी बहुत खुश है क्योंकि वो जानता है कि सोनाक्षी के लिए माँ बनना कितना इम्पोर्टेंट था और वो अब माँ बन चुकी है। देव ये बात ईश्वरी को भी बताता है कि उसकी एक पोती है और वो बहुत प्यारी है। देव के चेहरे पर इतने सालों बाद खुशी देखकर ईश्वरी भी खुश हो जाती है और वो भी अपनी पोती से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो जाती है। देव अब सोनाक्षी को चैलेंज करता है कि वो अब उससे सुहाना को लेकर रहेगा और उसको अपनी बेटी से 6 साल तक दूर रखने के लिए उसको कंपनसेट करना होगा। सोनाक्षी देव से सुहाना को लेकर उसके पेरेंट्स के तौर पर बात करना चाहती है और वो उसे मैच्योर तरीके से बात करना चाहती है, लेकिन देव उसकी बात ना तो मानने को तैयार है और ना ही सुनने को। अब देखते हैं कि सोनाक्षी क्या करती है और देव क्या करता है अपनी बेटी को पाने के लिए, वो किस हद तक जाता है, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।